अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, ये वीडियो देखें। जो इनहेरिटेंस है, विरासत में उनका हिस्सा क्या है। पहले आपको मतलब पता, ट्रांसजेंडर किसे कहते हैं? ट्रांसजेंडर उसे कहते हैं जो अपने जेंडर को तब्दील करता है। ट्रांसजेंडर वो शख्स है, वो इंसान है जो अपने जिन्स को तब्दील करता है। लड़का लड़की में बन जाता है या लड़की लड़का में बन जाता है, ये इस्लाम में हराम है। Sir, I want to clear one thing. Sorry, मैं जरा misunderstood. I didn't want to say transgenders. I meant Khwaja Sara basically. Sorry? Khwaja Sara, जो basically the middle gender. Middle sex के बारे में ये कह रहे हैं। Middle sex, वही मैं कह रहा हूँ कि आप वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ। आप LGBT, lesbian, gay, bisexual, ट्रांसजेंडर, इंसान जब पैदा होता है आमतौर पे दो टाइप के सेक्स होते हैं, मेल या फीमेल। अस्सलामु अलैकुम, माय नेम इज ज़ुबा एंड माय प्रोफेशन इज एन आर्किटेक्ट। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर मेकिंग मी एंड मैनी अदर्स अ ग्रेट मुस्लिम, नॉट जस्ट बाय एज इन नॉट अ बॉर्न मुस्लिम ओनली बट अ लॉजिकल मुस्लिम, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, सो माय क्वेश्चन इज, व्हाट इज द पार्ट ऑफ ट्रांसजेंडर्स इन इनहेरिटेंस एंड व्हाई नो वन डिस्कस अबाउट दिस, ड्यू टू व्हिच नो वन ओन्स देम, दो दे आर ऑल आल्सो अल्लाहस क्रिएशन। थैंक यू। बहन ने सवाल किया है कि वो काफ़ी मुतासर हुई और काफ़ी इस्लाम के बारे में जानकारी हासिल हुई मेरे वीडियो कसर देखने के बाद। उनका सवाल है कि ट्रांसजेंडर के बारे में कोई जिक्र नहीं, क्यों नहीं करता, और ट्रांसजेंडर में जो इनहेरिटेंस है, विरासत में उनका हिस्सा क्या है। पहले आपको मतलब पता, ट्रांसजेंडर किसे कहते हैं? ट्रांसजेंडर उसे कहते हैं जो अपने जेंडर को तब्दील करता है। ट्रांसजेंडर वो शख्स है, वो इंसान है जो अपने जिन्स को तब्दील करता है। लड़का लड़की में बन जाता है या लड़की लड़का में बन जाता है, ये इस्लाम में हराम है। Sir, I want to clear one thing. Sorry, मैं जरा misunderstood. I didn't want to say transgenders. I meant Khwaja Sara basically. Sorry? Khwaja Sara, जो basically the middle gender. Middle sex के बारे में ये कह रहे हैं। Middle sex, वही मैं कह रहा हूँ कि आप वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ। आप LGBT, lesbian, gay, bisexual, ट्रांसजेंडर, इंसान जब पैदा होता है आमतौर पे दो टाइप के सेक्स होते हैं, मेल या फीमेल। उसका जिन्स मर्द या औरत होता है, मेल या फीमेल आमतौर पे। लेकिन ट्रांसजेंडर मतलब एक इंसान बच्चा रहता है, उसको लड़की बनने का शौक आता है, बड़ा बन के लड़की में तब्दील हो जाता है, ये इस्लाम में हराम है। लड़का है लड़की बनना चाहता है, लड़की है लड़का बनना चाहता है, और कुछ टाइम आपको मालूम नहीं पड़ता जिन्स क्या है। इसके अंदर से भी अक्सर इट इज डन पर्पसफुली, लाइक जिन्स को तबाह करते हैं, सेक्स के जेंडर को तबाह करते हो, ये भी खुद करना हराम है। हम जो कहते हैं उर्दू में छक्का, बराबर आपके पाकिस्तान में क्या कहते पता नहीं, ख्वाजा सरा छक्का ना, क्रिकेट का छक्का नहीं। जी आपने कुछ कहा सर, ख्वाजा सरा भी एक लफ्ज है जो हम यूज करते हैं, उनके लिए छक्का भी बहुत से लोग कहते हैं, बट आई हाँ इसे मैं बोलता हूँ ना, उर्दू में आपने कोई लफ्ज इस्तेमाल कराएंगा जो हाई फंडा हो, मैं नहीं जानता, मैं उर्दू में कमजोर है मैं, लेकिन मेडिकल डॉक्टर हूँ, आप कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजी बोलूंगी तो मैं फट से समझ जाऊंगा। लेकिन हिंदी में जो कहते हैं वो छक्का तो हाँ बोल, लेकिन क्रिकेट का छक्का नहीं है। और ये अक्सर जो होते हैं दे आर मैन्यूपुलेटेड, उनमें जिम्स तब्दीली की जाते हैं, दे नॉट बॉर्न दैट वे। आप समझ रहे, ये किया जाता है, दे नॉट बॉर्न। कुछ शख्स ऐसे हैं जिसके अंदर बर्थ के अंदर प्रॉब्लम है, मैं जानता हूं, मैं मेडिकल डॉक्टर हूं, लेकिन उस बर्थ के अंदर भी टेस्ट करने से पता जाता है कि उसका डोमिनेंट सेक्स क्या है। डोमिनेंट सेक्स मतलब असल में सेक्स क्या है। कभी कभी बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिसमें जिन्स जानना मुश्किल है, लेकिन टेस्ट करके हमें पता चल सकता है उसका डोमिनेंट सेक्स क्या है। डोमिनेंट मतलब
ओरिजिनल सेक्स क्या है। तो इस्लाम में जहां विरासत है, मुझे पता है विरासत मेन मकसद नहीं, खाली फेंकने के लिए फेंक दिया, लेकिन जवाब दूंगा मैं, वो फेंकने के लिए गेंद फेंक दिया, अभी सिक्सर मारने पड़ेगा ना, क्योंकि आपको ट्रांसजेंडर का मतलब पता नहीं, चक्के का मतलब, मैं जवाब दूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह हिकमत दी उतना। तो अगर डोमिनेंट जो सेक्स है विरासत के अंदर, लड़के को मिलता है लड़की का डबल हिस्सा वालदेन को देने के बाद, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 11-12, विरासत के बारे में कई जगह लिखा है, लेकिन मेन जो कुरान की आयत है सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 11-12 में लिखा है कि आपके बेटे को बेटियों से डबल मिलेगा, सिर्फ बेटियां हैं दो से ज्यादा तो दो तिया मिलेगा, सिर्फ एक है तो आधा मिलेगा, और फिर कंटिन्यू होता है कि आपके वालदेन को मिलेगा 1/6, एक छठा हिस्सा, अगर आपके बच्चे हैं, बच्चे नहीं है तो मां को मिलेगा डबल। उसकी नेक्स्ट आयत में आयत नंबर 12 आपके बीवियों को मिलेगा 1/8, अगर आपके बच्चे हैं, बच्चे नहीं तो 1/4 मिलेगा, आपको मिलेगा आधा अगर बच्चे नहीं है, 1/4 मिलेंगे अगर बच्चे है। ये मोटे मोटे हिस्से है आपका जो मेन है, लड़के को बेटे को मिलता है बेटियों से डबल मां बाप को देने के बाद। तो अगर वो छक्का है उसका डोमिनेंट सेक्स मेल है तो उसको लड़कियों से डबल मिलेगा, अगर डोमिनेंट सेक्स फीमेल है तो उनको मेल का आधा मिलेगा। आपका जवाब हो गया? Yes, but again, why no one discusses? अभी तो आपका सवाल खत्म हो गया ना, अब दूसरे सवाल की लाइन के पीछे जाओ। Yes, okay, thank you. Yes, you're most welcome. नाज़रीन इकराम, ये वीडियो तो आपने देख ली। नाज़रीन, गुज़िश्ता रात आगा शेख सरवर के घर पे रात को 2 बजे नामालूम अफराद ने छापा मारा और आगा शेख सरवर को उठा कर ले गए। नाज़रीन, आगा शेख सरवर साहब जो हैं ये नया पाकिस्तान की टीम का हिस्सा हैं, इन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म की कवरेज की थी जो भी जलसे हुए, एहतजाज हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। जुर्म इनका क्या था जिस वजह से इनको उठाया गया? जुर्म सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि आगा शेख सरवर साहब ने अवाम को हकाइक क्यों बताए, जो उन्होंने कवरेज की बहुत ज़्यादा वायरल हुई, बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद की, जिसकी वजह से अब उनको इसका सामना करना पड़ रहा है कि रात को घर से ही उठा लिया गया। वालिद साहब उनके घर पे थे, वालदेन घर पे थे, बहनें घर पे थी, उसके बावजूद उन पर तशद्दुद किया और उठा कर ले गए। इस बारे में नाज़रीन आप क्या कहते हैं कि अब ये सिलसिला रुक जाना चाहिए, बस बहुत हो गया? आप क्या कहते हैं इस बारे में? अपनी राय का इजहार कमेंट्स में कीजिए। मुझे दें इजाज़त, अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।